तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी का हमारा रिजल्ट आ चुका है और आपको बताते हैं इस समय ट्रेंडिंग इन इंडिया बीपीएससी दोस्तों ट्रेंड भी कर रहा है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर शिक्षकों का हंगामा, रिजल्ट में धांधली, बड़ी खबर बीएड अभ्यर्थी और बीपीएससी रिजल्ट को लेकर। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। बीएड अभ्यर्थियों की याचिका की सुनवाई अब 30 तारीख को हो सकती है। चयनित शिक्षकों को 2 को गांधी मैदान में सीएम देंगे नियुक्ति पत्र। तैयार रहिए दोस्तों, जो बच्चे चयनित हो रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए, ठीक है। और देख सकते हैं 1,70,000 पद थे, 1,32,000 पद के लिए आवेदन मिला। उसके बाद देखिए काउंसलिंग के लिए उमड़ी शिक्षक अभ्यर्थियों की भीड़। जी आप सभी बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो चुका जो बच्चे पास है। एक बात आपको बता दें, इस वीडियो में देखेंगे कि आपकी फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड में क्या रही। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक और बड़ी खबर देखिए जरा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बदल सकता है प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट। ये एक बड़ी खबर है, ठीक है। अगर फैसले में दोस्तों बीएड छात्रों को मौका मिलता है तो हो सकता है कि रिजल्ट में कुछ संशोधन हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक पद के लिए 72,419 डीएलएड डिग्री धारकों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो ये दोस्त एक बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों वीडियो में देखने वाले हम लोग कि आप लोग के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ गई थी प्राइमरी टीचर के लिए, दोस्तों देखिए जनरल कैटेगरी में 68 से 70 नंबर की कट ऑफ गई है, ओबीसी में 61 से 62, ईबीसी में 57 से 58, ईडब्ल्यूएस में 58 से 60, एससी में 47 से 48 नंबर, एसटी में 53 से 55 और पीडब्ल्यूडी में, ठीक है, 50 से 55 नंबर। ये एक्सपेक्टेड है। देखिए अभी बीपीएससी की तरफ से दोस्तों ऑफिशियल जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है। गर्ल्स में दोस्तों कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम गई है, काफ़ी ज़्यादा लड़कियों का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश से भी हुआ है। जी हाँ आपको बता दें इस वैकेंसी में दोस्तों मेल की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई, 68 नंबर तक है। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारा 68 नंबर है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है, देखिए आपको बता दें 68 में हो सकता है कुछ बच्चों का डाउट है, लेकिन 69 नंबर 70 नंबर इनका कोई डाउट नहीं, इन सबका सिलेक्शन 100% हुआ होगा। उसमें दिक्कत क्या हो जाती है ना कभी कभी, देखिए अगर आपकी एज 18 साल है, एक एज 25 साल है, एक एज 30 साल है, ठीक है। आपको बता दें अगर सिर्फ एक सीट बचती है या 2 सीटें बचती है, तो पहले 30 साल वाले बच्चे का होगा फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर 25, फिर 18, तो यही दिक्कत आती है। हो सकता है कि आपके 68 नंबर हो लेकिन सिलेक्शन ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन देखिए जो बीपीएससी का रिजल्ट आया, यहाँ पर रिजल्ट में देखिए एक बात लिखी गई है कि 62,000 बच्चों का रिजल्ट जारी किया गया। देखिए उसके बाद एक और रिजल्ट आया था जिसमें उर्दू का रिजल्ट, तो हो सकता है उस हिसाब से ये 72,000 की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ डाउट यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों शिक्षक भर्ती में धांधली के आसार बच्चों को लग रहे हैं और ये पहले से भी लग रहा था, ऐसा हो सकता है। सिर्फ डीएलएड बच्चों को रिजल्ट है, उसके बाद कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई कैसे हो गई। बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए दोस्तों अब लगभग लगभग 1,20,000 सीटें। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी संख्या में सीटें आप देख सकते हैं आपके सामने आने वाली है, इसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती जो रिजल्ट की अपडेट आएगी, फाइनल आंसर की अपडेट थी, देखिए ये सबसे पहले आपने इससे मिलाया, कुछ बच्चों को वहां पर नंबर भी कम हुए। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात आपको बता दे, कुछ बच्चों का नंबर फाइनल आंसर की में कम क्यों हुआ, कि भैया उसका विकल्प चेंज कर दिया गया, ठीक है। अगर विकल्प चेंज ना होता तो बहुत से बच्चों का सिलेक्शन आज हो जाता है। और आज देखिए बहुत से बच्चों को ये बातें पता चल रही होंगी, यार 1 नंबर या 2 नंबर की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार 1 नंबर 2 नंबर कुछ नहीं होता, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा। बीएड अभ्यर्थियों को रिट याचिका की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई अब 30 अक्टूबर को होगी। इससे पहले सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर का समय दिया गया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सुनवाई भी लेट से हो रही है, इसलिए हो सकता है कि बीपीएससी ने भैया रिजल्ट जारी कर दिया हो, ठीक है। उनको ये बातें पहले पता चल जाती है तो कोई मतलब नहीं रहता कि रिजल्ट को होल्ड किया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और खबर, 1 से लेकर 12 तक 1,70,461 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पटना जिला के सफल अभ्यर्थियों को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सभी जिलों को अनुसंधित अभ्यर्थियों की सूची भेजी जा रही है। सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग या, ठीक है, सब उन्मुखीकरण 18 से 24 अक्टूबर तक होगा। एक बात और दोस्तों बताना चाहेंगे इस वीडियो में,
एक बात अब याद रखिएगा, आने वाली जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी 1 to 5 के लिए, वहां सिर्फ और सिर्फ डीएलएड के बच्चे ही योग्य माने जाएंगे, मतलब बीएड को मौका मिलेगा ही नहीं। ये एक अंतिम वैकेंसी थी दोस्तों जहां पर बीएड के छात्रों को मौका मिल सकता था, लेकिन अब ये सुनवाई 30 अक्टूबर को गई, जो 20 अक्टूबर को होने वाली थी इसमें भी परिवर्तन हो गया, मतलब अब बीएड छात्रों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। 2 नवंबर को एक बार याद रखिएगा नियुक्ति पत्र मिल जाता है ना, तो भैया बच्चों का केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता डीएलएड छात्रों को तब तक ही दिक्कत है, जैसे ही नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके बाद मामला ही खत्म। ठीक है, तो सैलरी अच्छी है, सभी बच्चों को बधाई हो। और जरा देखते हैं अतुल सर ने क्या कहा ट्वीट करके, उसको भी जरा देखेंगे हम लोग। देखिए अतुल प्रसाद सर का ट्वीट आता है, हम लाए तूफान से कश्ती निकाल के, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को रखना मेरे सफल अभ्यर्थियों संभाल के, सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अतुल सर का दोस्त यहाँ पर ट्विटर में देखने को मिला। और यहाँ पर देखिए TREPRT उर्दू रिजल्ट आल्सो अपलोडेड, तो उर्दू रिजल्ट बाद में अपलोड किया गया, तो यहाँ पर वही बात रखी जा रही है। तो दोस्तों रिजल्ट आ चुका है, अब अच्छी बात ये है कि बाकी आपको देखना है कि कैसे क्या होता है। BPSC दोस्तों देख सकते हैं ट्रेंडिंग इन इंडिया, तो अब क्या हो सकता है। देखिए बहुत से बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या कोई धांधली हुई है। देखिए जो रिजल्ट हमारा डिक्लेयर किया गया बहुत ही ठीक है, नॉर्मल रिजल्ट दिया गया, ऐसा रिजल्ट आपका आना चाहिए जहां पर आपका रोल नंबर शो हो, आपका नाम शो हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी शो हो कि आपकी कैटेगरी क्या है, क्या ओवरलैपिंग ठीक तरीके से कराई गई है नहीं कराई गई है। इस पर दोस्तों बच्चों के सवाल हैं। अभी आपको बता दें जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, कम से कम ठीक है 5 नंबर तक बच्चे होल्ड में अगर हैं तो टेंशन आपको नहीं लेना। अभी बहुत से बच्चे देखिए फेक डॉक्यूमेंट्स में छट जाएंगे, जो आपको ये बड़ी सी लिस्ट आपको दिखी होगी कल रिजल्ट की, इसमें ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो सीटेट के अपेयरिंग छात्र होंगे, डीएलएड अपेयरिंग छात्र होंगे। अब बीएड की संख्या, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया बीएड वालों का भी रिजल्ट आ गया है, अगर कोई टेक्निकल एरर के वजह से किसी भी वजह से उनका रिजल्ट आया तो परेशान मत हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन सभी बच्चों को छाट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं कि नौकरी की कोई गारंटी है। अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बहुत से बच्चे गलती किए होंगे, आपको बता दे कम से कम ठीक है 79943 पद है टोटल, अगर सीटें कम होती। देखिए एक बात आपको बता दे, कट ऑफ को कम करके या जैसे भी कैसे नौकरी देते, देखिए एक बात समझिए पहले, जब दोस्तों कट ऑफ से ज्यादा नंबर पर सभी बच्चों को सिलेक्शन हो रहा है तो भैया 79943 टोटल पद क्यों नहीं भरे गए, 62,000 की बात क्यों हो रही है, 72,000 की बात क्यों हो रही है, तब तो होनी चाहिए ना कि सभी पदों को भर दिया गया, मामला क्या। देखिए अभी बहुत से कंफ्यूजन यहाँ पर दिख रही है, काउंसलिंग के लिए उमड़ी भीड़, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राइमरी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 24, 25 और 26 अगस्त को विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा आयोजित की गई थी। मंगलवार को दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 10+2 विद्यालयों में नियुक्ति के लिए हिंदी समेत अंग्रेजी समेत 16 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया तथा शेष बचे विषयों का रिजल्ट बुधवार को जारी किया गया। तो ये दोस्तों रिजल्ट की बातें यहाँ पर आपको दिख रही हैं, लेकिन अब काउंसलिंग के लिए बच्चे लगे हैं। ठीक है, देख सकते हैं 122,324 बच्चे सफल हुए, 93% रिजल्ट है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, पद की तुलना में रिजल्ट कम क्यों किया गया, देखिए ऐसा क्यों हुआ। आयोग के अध्यक्ष के अनुसार 38,000 वैकेंसी भर ही नहीं सकती थी क्योंकि उतने अभ्यर्थी नहीं थे, इसकी बड़ी वजह यह थी कि कई सालों से एस्टेट नहीं हुआ था जो इस परीक्षा के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, इसलिए 1,38,000 की ही कैपिंग हो गई थी। इसे अलावा ऐसे दिव्यांगजन जो मेरिट से आ गए उन्हें कोटा में नहीं दिया गया, ऐसे में उस कोटे की सीट भी खाली रह गई। तो ये सब दोस्तों बातें, लेकिन आपको बताते जो इस बार सेकेंड टाइम आपको मौका मिलेगा, इस बार आपको चूकना नहीं है। जी हाँ, इस बार पूरी ताकत झोंक देना, पूरी जान लगा देना, डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि बिहार सरकार भी तुरंत वैकेंसी ला रही है, समय नहीं लगेगा। अभी ये वैकेंसी थोड़ा सा कंप्लीट होने दीजिए, तुरंत ही आपको एक नया विज्ञापन मिलेगा BPSC TRE 2.0। भैया 2 महीने में पूरा यहाँ पर खेल हो जाता, यूपी नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आई, मामला ठीक है सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, इतने लंबे समय तक फंसा रहा। पहली बार दोस्त एक उम्मीद जगी है बिहार सरकार ने, एक ऐसी उम्मीद जगा दी ना कि भैया वैकेंसी इतनी जल्दी रिकॉर्ड समय में, दोस्तों रिकॉर्ड टूट गया, ठीक है सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अगस्त में पेपर होना, अगस्त लास्ट में, सितंबर अक्टूबर 2 महीने में दोस्तों रिजल्ट तैयार करके नियुक्ति पत्र जारी करना बहुत बड़ी बात है।
अब 2 नवंबर को अगर ये मिल जाता है तो हम नहीं कहेंगे कि इससे बड़ी वैकेंसी और इतनी जल्दी पद भरना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। जो बच्चे पास हैं उनको शुभकामनाएं, और जो बच्चे किसी भी वजह से पास नहीं हो पाए टेंशन मत लीजिए, नई वैकेंसी 1,20,000 है। डीएलएड को भी मौका, बीएड को भी मौका, अब हो सकता है पीआरटी में भी एक वैकेंसी देखने को मिले। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।